Left, not heavy. सारी रात की माँ बहन कर दी साले ने. जब भी घोड़ा खींचो साला रोने लगे जोर जोर से. ले लिया. अरे इतने नजदीक से गोली मारेंगे ना तो साली इंक्वायरी बैठ जाएगी ना. भागने को बोला तो घुटनों में घुस गया पोपट. बड़ा मुश्किल है डरे हुए का इनकाउंटर करना. अब रोते हुए को कैसे मारेगा कोई. हंसते हंसते आओ, हंसते हंसते जाओ. लेकिन था कौन सा जाने. 12 बज गए क्या. टाइम है बताओ ना सर. था कौन. नाटा. किसके भविष्य में उंगली डाल रहे हो पंडित जी. मुंबई साहब नाटा. अच्छा ये मुंबई की जन्म पत्री है. क्या लिखा है मुंबई के भविष्य में. साहब नाटा. नाटक गया. कब. कल. आज कोई और जाए. ए 12 बजे क्या. अपने गप्पा जी के आदमी. तू भी तो मुगल की औरत है चिकने. धंधे का पहला उसूल याद है कि भूल गया. फैमिली मेंबर को टारगेट नहीं करते. देख ऊपर देख. आया अब्बा जी के भाई को. तेरे को क्या लगा कि मियां कंपनी की चिर जाएगी. 12:40 वो खत्म हो रहा है. सुबह तक तुम्हारी फैमिली फिनिश. दी एंड. कहाँ छुपा मुगल. बता दे बच जाएगा. मियाँ ने जबान दी है. सुन रो मत. सुन पंडित की कोई भविष्यवाणी गलत नहीं होती. पूछ मुंबई की पत्री पे किसका नाम लिखा है. अब्बा जी का या मुगल का. हाँ मियाँ आदाब. बिल्कुल. वो कहता है वो आप ही को बताएगा. ले बात कर. हाँ मियाँ अस्सलाम वालेकुम. गोराई में बंगले पे. वो बोरीवली में अपने ससुराल में. मियाँ बाप गोराई बेटा बोरीवली. मैं मुगल को लेता हूँ. तुम लोग बोटी के पास जाओ. मैं जाऊँगा मुगल के. अब जो कहा जाए वो किया कर समझा. ठीक है तो तू भी जा उसके साथ. मेरे सामने शर्म आएगी उसे गोली मारने में. ठीक है मैं जाता हूँ मियाँ के साथ. तेरा बेटा नहीं बाप है वो. चल. अरे बस पुरोहित साहब बस. अरे पी चिकने. पी मौज कर. आज तेरा 15 अगस्त है. नवंबर में 15 अगस्त कहाँ से रहेगा साहब. अरे मुगल के बिस्तर से आजाद हुआ है ना तू. और वैसे लौंडेबाजी का शौक ना अब्बा जी को है और ना मियाँ को और ना हमें. ये देख के मारा कर यार. सारी मुंबई खून से भर दी. बोल मुगल हमारे लोगों में से किसने गद्दारी की थी. नाम बोल.
तूने हेलो। हाँ रे आसिफ, आज रामा जी कहते छोटी के कमरे में है जीजू। हाँ तो बुलाओ उन्हें। क्या खबर है? अबे तब से बोला ना, बुलाओ उन्हें। अबे कहा ना छोटी को बुखार है जीजू, जान ले लेगा अगर दरवाजा खटखटाया। अच्छा तो बोलना कि हम लोग पनवेल में हैं, बाहर निकलने के साथ ही फार्म हाउस पहुँच गए। रुक रुक, मुगल गया क्या? आ गया पर अपना बोटी और लौंडिया पंडित। और क्या मिलेगा मियाँ को? 7:30 उतरी है तेरी आज से, जो चाहे मिलेगा, जो चाहेगा। जैसे बॉलीवुड बॉलीवुड है अब्बा जी के साले का, वो आसिफ आ जाएगा जीजू जीजू करते हुए। अभी जीजू जीजू दशम स्थान में शुक्र बलवान है, राजयोग कहते हैं इसे। बॉलीवुड छोड़, 6 महीने में अब्बा जी की गद्दी मियां की है, किंग ऑफ किंग। पंडित तेरे चौपड़ खाने में मुझे विश्वास होता ना तो आज मैं तेरी जबान काट डालता। काट दो मैं, काट दो, काट दो साला, इसकी जबान से जो निकलता है वो सच होता है। अभी अभी 6 महीने पहले बैठे बैठे ऐसे ही मुझसे बोला कि तेरी जो पड़ोसन है ना उससे जरा बच के रहना है, एड्स में मरे। काली जबान है साले की, बता रहा हूं। अरे काम करो, छोड़ो उसको पंडित जी, आप कुछ मेरे बारे में बताओ। बढ़िया सर, आराम से टाइम लेके। अरे हाँ कमाल है, तू अभी तक जिंदा कैसे है? तो छुपा है मिसाले, हंसने की क्या बात है? मिसाले मियाँ से कम नहीं उड़ाओगे आप, गिन लो आज के मिला के। तेरे बेटे की पत्री देखी, बहुत दम है साले में। वैसे मियाँ जी का जवाब है तेरा बेटा। हेलो, गूगल भी दिया करो। कौन? तुम ठीक हो ना? हाँ जी। वाह पंडित, तो तू सही कह रहा था यार, और तेरे तो वाकई है भाई। कौन है भाई? इनकी पड़ोसन बुलाऊं लीजिएगा। हाँ कौन? देव सरे? कौन देव सरे? थाने में फोन करो सुबह को। ले तू बात कर यार, इंग्लिश बोलता है। हेलो
What Devsare? Where you got number from? He told you call tomorrow. Devsare, kya kare? कौन है ये देव सर? तुम लोगों का नया एसीबी। देव सर। काफी सुना है आप दोनों के बारे में। किसका हाथ है इसमें? पुलिस का नहीं है सर। क्राइम के वक्त आप दोनों कहाँ थे? ड्यूटी पर सर। ड्यूटी पर होते तो शायद ये क्राइम होता ही नहीं। फिर तो बहुत बड़ा क्राइम हो जाता सर। शक्ति का संतुलन बहुत जरूरी है संसार में सर। आग के लिए पानी का डर बने रहना चाहिए। बिना कुछ किए बैठे बैठाए एक गैंग का सफाया हो गया सर। और जो बच गया वो हमारे साथ है। मतलब हमारे अंडर है। एक गैंग को कंट्रोल करना ज्यादा आसान होता है। नाम क्या है? अब्बा जी। मैंने रिश्ता नहीं नाम पूछा है। जहांगीर खान लालजी भाई का दाहिना हाथ था। गोल्ड स्मगलिंग से शुरुआत की और लालजी भाई की मौत के बाद कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और जमीनों के गैर कानूनी कब्जों को खाली कराने का धंधा। माइनॉरिटीज के खुदा है। जिस पार्टी के साथ अब्बा जी हाथ में ला ले वो कभी इलेक्शन नहीं हारती। कोई एफआईआर? जी हाँ, 12 साल पहले अरेस्ट करने की कोशिश की थी, पूरे शहर में फसाद हो गया। अल्लाह तौफीक दे। वालिद के साये का कोई सानी नहीं है मियां। किए की कीमत तो चुकाना ही पड़ती है। आपका पनागीर हूँ अब्बा जी। जख्म भरने में वक्त तो लगेगा मियाँ। आपके वालिद और हमारे भाई फना हुए हैं। हम तो आज तक बेखबर हैं कि भाई का खूनी था कौन, किसने की थी गद्दारी। हमने जो कौन था निकाह पे 9-1 साल का था तो मरते वक्त अमानत के तौर पे छोड़ गई थी तुझे रुखसाना। अमानत में खयानत नहीं होती मियां। जीजू मैं दुबई चला जाऊंगा। जीजू एक ही रास्ता है और एक ही हो जाना है। गोली मारे जीजू। नहीं नहीं मौका मिलते ही फन मारेगा बूट। बना दी तो दी। पर अब्बा जी ये मेरा मतलब है। जहांगीर अपनी जबान से नहीं फिरता। मसला खत्म। बोटी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। और कुछ फिल्म इंडस्ट्री का क्या होएगा? कौन देखेगा अभी?
मकबूल। मुझसे नहीं होगा, मैं क्या करूँगा फिल्म इंडस्ट्री। अबू का नाम संभालो बेटा, आसिफ ने बहुत काले पोती हुआ। लिम्बी भाभी भाई, इस बिरयानी की रेसिपी जरूर लिख के दीजिए हमें, पेट भर गया, नियत नहीं भरी। नियाज के खाने की लज्जत ही अलग होती है। बस भी बस मर जाएंगे हम तो। सवैयों के लिए जगह रखिएगा आप लोग। भाभी भाई और कुछ नहीं। अंकल मैंने बनाई है। रुखसाना का रस है छोटी के हाथ में। अबू आजा भाई, छोटी नहीं समीरा के हाथ में, सबको खानी पड़ेगी और तारीफ भी करनी पड़ेगी। पानी आजकल तुझे प्यास नहीं लगती नहीं है? कोई देसरे है, पहली पोस्टिंग है उसकी। अब नया नया मुसलमान तो पांचों वक्त की नमाज पढ़ता ही। अब्बा जी साहब, तीन लोगों का एनकाउंटर कर दिया है एक हफ्ते में। ये चिन्ना और ये दावड़े पनवेल और थाने में हमारा काम देखते। और मियां बॉलीवुड के क्या हाल है? आप हाल हमारे पूछिए। रजिया फंस गई है गुंडों में, घटिया फिल्में, घटिया लोग। तू अब्बू की लाइफ पर पिक्चर बनवा के देख, उतारे नहीं उतरेगी। कोई हीरोइन पसंद नहीं है? वो पहले से फिट है भाभी। अच्छा कौन है भाई जिसने पत्थर में पौधा उगा दिया? अब्बा जी वो बूटी किसी से मिलाने की बात कर रहा था। बात मत पलटो मियां, कौन है? तो कल बुलवा लूं उसे। जहांगीर कल दरगाह जाना है हमें। अरे बीबा आप मन्नतें बहुत मांगती हैं। पूरी तो एक भी नहीं होती। अरे होंगी भाभी, सारी पूरी होंगी। अबू अगर इस साल ने भाभी की पिक्चर नहीं बनवाई ना तो सच बोलता हूँ ठीक नहीं हो। और आप बोलो भाभी कौन डायरेक्टर चाहिए, करण जौहर, सुभाष गई या अपना ये क्या कहते हैं राम गोपाल वर्मा? नहीं वैसे अपना मणिरत्नम भी ले सकते हैं। रुको जरा, यहां से पैदल जाना है हमें नंगे पांव। अंधेर खुदा का बीना, चले बढ़ जाएंगे। वही दिखाने हैं उसे। अब हम क्या करें? आप चलिए ना गाड़ी में। अरे आपको अकेला छोड़ के क्या हुआ बजी? ए मियां ये इश्क बहुत बड़ी बीमारी है, पूरी कायनात हमारी मुट्ठी में है, ये बित्ते भर की औरत नहीं संभलती हमसे। नंगे पांव जाएंगे दरगाह तक। आप चलिए मैं आ जाता हूँ बीके साथ। हाँ कौन है वो तुम्हारी हीरोइन? बहुत खूबसूरत है। हमसे भी ज्यादा झूठ बोलता है वो तुम्हारा ज्योतिषी इंस्पेक्टर पंडित। अब्बा जी की जगह तुम कभी नहीं ले सकते। क्यों?
डरपोक हो तुम। अच्छा हमारे इश्क में गल जाओगे लेकिन छूने की हिम्मत नहीं। गुड्डू लेगा उनकी जगह। गुड्डू गुड्डू बेटा ना हो तो दामाद ही वारिस होता है ना? दामाद गुड्डू समीरा तुमको कैसे पता? बस पता है। झूठ झूठ ना झूठ ना। तुम्हारी हिम्मत नहीं होती थी हम पे निगाह डालने की फिर भी तुम्हारी नियत मानती थी। अरे मर सकते हो तुम हमारे लिए और मार भी सकते हो झूठे। सजदे में गिरना है और अदब से दुआ करना। इतनी इजाजत दे कदमों पे जब ही रख दूं ओ फिर सर न उठे मेरा ये जहां भी वहीं रख दूं। एक बार तो दीदार दे मेरे सामने रह के भी तू ओ चल है तू पोशीदा है मेरे हाल से खाबीदा है। बस इतनी इजाजत दे कदमों पे जब रख दूं फिर सर ना उठे मेरा ये जहां भी वहीं रख दूं। एक मासूम सी दिल की तजवीज़ है
दीवाना बना अपना दीवानगी यूं भी है। पैरों में पड़ी गर्दिश और सर में जुनून भी है। इस बार तो दीदार दे, इस बार तो दीदार दे, जा सौंप दे जा बार दे, इस बार तो दीदार दे। तू नहीं ये जिंदगी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं ये बंदगी, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं ये जिंदगी कुछ भी नहीं, ये बंदगी कुछ भी नहीं, ये बंदगी कुछ भी नहीं, ये बंदगी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ये बंदगी ये बंदगी कुछ भी नहीं, ये बंदगी कुछ भी नहीं, ये बंदगी और सर में जुनून भी है। तू मेरे रूबरू है, मेरी आंखों की इबादत है। अब्बा जी सलाम। सलाम अब्बा जी। अब्बा जी आप आज शहर वापस मत जाइए। क्यों? वो मंत्री जी दो दिन में वो सारा केस सुलटा देंगे। कौन सा केस? देवसरे ने अब्बा जी के नाम का वारंट निकाल दिया। अब ये कोई उम्र है हमारी भाग नहीं तोड़ने की। चलो लगवाया था गाड़ी। पीजी देव सर। जहांगीर खान आपका नाम है? कल सुबह आना, जमानत तैयार मिलेगी। जहांगीर खान आपका नाम है? अब्बा जी बोल बे, तेरे से 36 वर्दी वाले पलते हैं हमारे यहाँ पर। जहांगीर खान आपका नाम है? अरे कितना चाहिए, घर पहुंच जाएगा। चलो चलो चलो। नहीं मियाँ चौहान, जादव बैठे। अब जा सकते हैं। सुबह का वक्त है, यहाँ एक गली चाय भी नहीं मिला हुआ। ट्रांसफर कहाँ हुआ? अब याद बहुत आएंगे भैया। अरे वो गया यहां से, अब नहीं आएगा वापस। फिर क्या उड़ाएगा उसका भेजा?
ठीक है, उसका दिल उड़ाऊंगा। चलेगा। देख न्यू, देख कोई नया राड़ा शुरू नहीं करने का अपन को। हाँ, अब भोसले कभी हामी नहीं देगा उसको लाने की, तो फिर मेरा लाफा खाएगा बीच बाजार में। खड़ा भोसले, पूछ उससे। मारना मुझे, मारना। तेरी आंख तो मुझे मियां, वरना हिसाब में हम सब चल गिरा हो जाए। वो लपड़ आपके गाल पर नहीं, हमारे जहांगीर के गाल पर पड़ा था। रमजान है, ईद तक कुछ नहीं। अब्बा जी नमस्ते, ईद मुबारक। ईद मुबारक आप सबको। अब्बा जी इस बार दाल कुछ नहीं पका हवेली, भोसले बड़ा जलाता है उंगलियां चाट चाट के। मीठी ईद है बाले गर्मियाँ, बकरीद भी आइएगा, गोश्त खिलाए। सुपारी कैसी लेंगे, सूखी या गीली? जी नहीं, मैं पान नहीं खाता। पुराना माने तो एक बात कहूँ, आप जेल गए अच्छा नहीं लगा। भोसले चाहता तो रोक सकता था। अब्बा जी बस आपका आशीर्वाद चाहिए। जी नहीं, मैं पान नहीं खाता। गिलोरी खाया करो गुलफाम, जबान काबू में रहती। लाल रंग फपता है तेरे कुर्ते पे। नहीं होने का, अब हम मैडम से बात करेगा ना। दो दिन के लिए, दो साल से मैं वेट कर रहा हूँ, अब तो एसोसिएशन में कंप्लेंट डालनी पड़ेगी। डार्लिंग धमकी नहीं, नो थ्रेट। हाँ और क्या हाल है, मुँह लटका हुआ है, है? यार हमें भी बना दो हीरो।
जहांगीर साहब से कहिएगा कि हम पैसे नहीं देंगे। आप गोली मारना चाहते हैं? रियाज ने बताया कि आप उसके वालिद की तरह हैं। डील 30 करोड़ में तय हुई थी मुगल से। सामान इंटरनेशनल वाटर्स की हद तक हमें लाना है, फिर हिंदुस्तान के समंदर से बम्बई तक लाने की जिम्मेदारी आपकी होगी। इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा? दिल्ली, कश्मीर या यहाँ पर? कहीं भी हो, मगर पैसा आपके घर पहुँचेगा पूरा, और वो भी काम से पहले। सॉरी, आप धंधा करने आए हैं? खुशी मतलब गड़बड़ हम करेंगे तो भी नुकसान आपका? बेटा, हर इंसान का मकसद फ़ायदा नहीं होता। हमें अब्बा जी की दोस्ती दरकार है। शायद हम आपकी दोस्ती के लायक नहीं हैं प्रोफेसर साहब। नहीं अब्बा जी, आप हमारी काबिलियत, हमारा कारोबार और हमारे पैर जमीन पर हैं, तैरना भी नहीं जानते, तो दरिया से दूर भले। आप चाहें तो दुनिया के हर मुल्क में आपका कारोबार फैल सकता है। मुंबई हमारी महबूबा है मियाँ, इसे छोड़कर हम कराची या दुबई में नहीं बस सकते। अबू, 30 करोड़ रुपए, और वो भी काम के पहले। अगर हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। जिस इंसान का मकसद सिर्फ नुकसान हो, उससे किसी को फायदा नहीं हो सकता, याद रखना। हकना मुकदमा सीखा नहीं, धंधा सिखाता है। आपके बीच में बोला तो जबर कर दूंगा तुम्हारे साथ। तेरी माँ का आंख फोड़ने पाया। नहीं 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 नहीं, अंग्रेजी संडास से पेट साफ नहीं होता मेरा। मेरा बाथरूम मेरे को देसी चाहिए, छोड़ा के बैठने वाला। मिया आजा। देख, मॉरीशस का रिसॉर्ट हूँ, देख कितना ब्यूटीफुल है। नहीं या? ए, हमारे मिया का कमरा कहाँ है इसमें? ये देख, तेरे को कोने में ठहराएंगे साले। कब बज रहे हैं? सो रहे हैं। ये तो पार्किंग जो है। अबे कहाँ सो रहे हैं? अरे अभी इस टाइम ठीक है भाभी के संग। अब नींद और भूख का कोई टाइम थोड़ी होता है मियाँ, कि होता है। माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत है। वो थोड़ी गालियां ज्यादा खड़ी कर दी हैं। बीवा सुधारी गीली नहीं है। अब ये हमारे आका, इनकी मंजूरी के बगैर कोई फैसला नहीं हो सकता। बोल बीवा, कैसा लगा ये? अच्छा है। अच्छा है कि बहुत अच्छा है? माशाल्लाह। वाओ अबू, दिस इज अमेजिंग। मेरा कमरा कौन सा होगा? ये मेरे पास वाला। अबू, मैं इसके बगल के कमरे में नहीं रहने वाली, से तो मर जाऊंगी। छी,
जी जी, ये कुछ सोचा? कौन जलाएगा इसे? किसे भेजना है मॉरिशस? गुड्डू। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। गुड्डू मॉरिशस जाएगा। अरे गुड्डू क्यों भाई? गुड्डू जाएगा। अबे गुड्डू क्यों? अबे तू क्यों नहीं जाता? गुड्डू जाएगा। एक लौंडा है मेरा, और कहने जाएगा वो? अब्बा जी, गुड्डू मॉरिशस जाएगा। क्यों मियां, गुड्डू को क्यों भेजना है मॉरिशस? छोटी को गोद में खिलाया मैंने, ये मेरी भी कुछ लगती है। मतलब क्या है तेरा? पूछ, अपने चांद के टुकड़े से पूछ। क्या बोल रहा है? तो जाना पड़ेगा, मेरी छोटी का घर इस कीचड़ में तो नहीं बस सकता। लड़की वाले तो हम हैं समझिए। दोस्तों यार, हम तो कभी माफ नहीं करेंगे आपको। ये क्या शक्ल बना दी आपने हमारे दामाद जी की? अरे हमारे खानदान का वारिस है ये, अब है ना? अगर अब्बू को तेरे इश्क की खबर कहीं और से लगती ना, तो हम दोनों गए थे आज। अच्छा था तो वो भी यही था। साले कुत्ते, साले एहसान मान मियाँ का, अगर तू आज जिंदा है ना तो सिर्फ उसी की बदौलत। तू भी कितना भोला है रे बाबा, सांप और सपेरे में फर्क नहीं दिखता तुझे? अलग से ना निवाला नहीं उतर रहा होगा आज। सालम, गोलियां खाई हैं हम दोनों ने एक दूसरे के लिए। समीरा बहन बेटी है उसकी। अगर तेरी जगह कोई और होता ना साले, तब तक तेरी तेरवी नहीं बढ़ चुकी होती। नाटक मत कर बाबा, खाना का। एक गुड्डन, छोटा सा परिवार है ये हमारा, इसमें शहर मत भूल, टूट जाएगा। हाँ
चाचा अभी पीले वाले रहन दो, लाल लगाओ लाल। लगता है सारी मुंबई के बाग नोच डाले आपने। तीखा है, कल कोई गड़बड़ नहीं चाहिए मुझे। नहीं भरोसा रखी। जान वालेकुम सलाम। देखिए ना जान, कोई तैयारी नहीं हुई है यहाँ जी। ये मियाँ है ना आपका, बातों का सौदागर है बस। नहीं बिल्कुल नहीं। अरे ना फूल वालों का पता है ना खाने वालों का पता है। अरे खानदान की पहली मंगनी है जाएंगे। नहीं हम है ना जान। अरे हम रुक जाएंगे यहीं रात को। जी जी। अच्छा सुनिए, कल ना दर्जी से हमारा शरारा ज़रूर लेते आइएगा। हाँ अच्छा, खुदा हाफिज़ जान। क्लॉक काट दूंगा तेरा। अभी नहीं, रात को। बोलो वापस दो मेरी जान। सच में मार देंगे मेरी जान। बोलो मेरी जान। एहसान कर रहे हो, प्यार से बोलो ना मेरी जान। मेरी जान एक और बार। मेरी जान। जान मेरी। जान मेरी। मेरी जान। मेरी जान। ठीक है ठीक है मेरी जान। तुम साथ चलो तो लखनऊ क्या, अल्लाह मियां के पास भी जाने के लिए तैयार हूँ। जिया करे रो रे दो।
बरसाते तो पत्ते रोते हैं, देख बाहर में जीने वालों के भी हम होते हैं, दर्द न आते कोई प्यारे फिर से सुजा ले आके, रोना है तो रोने दो रोने दो मांगा दो हमें यही कि हर दिन इस रात सभी थे। अब्बा जी के जीते जी नहीं हो सकता, और अब्बा जी के बाद मकबूल कहाँ है? अरे इतना ही और काट मिले, इतने से क्या होगा? और उसको काट के अच्छी तरह से पीसना। वो देखो धनिया कैसे, अरे रुक रुक, अरे कैसे काट रहा है, कैसे काट रहा है उसको, उसको हटा, बारी बारी काट बेटा इसको, और थोड़ा सा लेके उसको सिर्फ पत्तियां पत्तियां अलग करना। अरे हटो चाचा, घास लग गई। अरे मेरे लगता जगर, इधर आ। अरे चाचा देखो चलना चाहिए, कितनी मोहब्बत से पका रहा है यार, जी करता है अपना गोश्त पकवा दूं तेरी बिरयानी। ये ले तेरा लाइसेंस जी। अब तो नहीं लगाएगा ना नो पार्किंग में गाड़ी? कमिश्नर साहब, अब्बा जी रोलेक्स। इस घड़ी के साथ ही बोटी का बुरा वक्त भी खत्म। प्यारी समीरा को एक 3-bedroom हॉल विथ लॉट ऑफ लव अंकल भोसले। भोसले 50 साल निशा को बोतल में बंद रखो, पूंछ सीधी नहीं होती। गिफ्ट भी सरकारी। और पंडित जी, और खत्म हो चाहे आप दोनों खाली याद आ गए। आप दोनों शुभ समाचार लाए हैं ना? वो देवसरे को काले पानी की सजा हो गई है, वो कस्टम में डाल दिया गया उसे। अब आपको याद है आपकी शादी में रेड हो गई थी? जेरे से लेके जांगिया तक उतार लिया था सालों ने। क्या नाम क्या था उसका कमिश्नर का? देशपांडे। और लालजी भाई ने अपने हाथ से भिजवाया था उसे रामजादे का। अबू लालजी भाई जिंदा होते है तो कितने खुश तो नहीं बच्चों को आवाज देख के। याद मत दिला काका, अनाथ लगता है हमें उनके बिना।
तुम लोग सालों किसी के सगे नहीं हो, वो इसी भी मोरिया सगे भाई से ज्यादा मानते थे उसे लालजी भाई। छाती भर डाली हराए ने गोली को सुन के। अबू नहीं, अबू 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 नहीं, आज आज नहीं अबू, आज खुशी का मौका आज नहीं। आंसू पूछिए। मोहिनी जी आई। फिल्म स्टार होते हैं। क्या एक्टर हैं अब्बा जी? कमरे में तीन लोग थे, लालजी भाई, एसीपी मौर्या और अब्बा जी, बचे सिर्फ ये। बेवफा कौन? पुलिस। नाम ढूंढो अपना।
तुम नाचती बहुत अच्छा हो। क्या करें, खुशी में पैर ही नहीं रुकते हमारे। नाचना तो तुम्हें भी चाहिए, सासू माँ बनने वाले हैं। आओ ना चाहे तुम्हें आओ। चिकने चिकने आंगन है, सरिया के डर के मैं चला भूल गई रे, सरिया से डर के पहली गर्मी। हमारी भी कुर्बानी कर दो। जहांगीर को उसकी नई विवाह मिल गई, किस मुँह से घर जाएंगे वापस। सबको मालूम है जहांगीर की रखेल है, नंगा कितना घिनौना लगता है। हमारी बाप की उम्र का होगा कम से कम। अरे बाप है वो। इस घर में मैं बच्चों की तरह पला हूँ। सुनी, घर में तो कुत्ते भी पले जाते हैं मियाँ। गुड्डू के पीछे जीभ लटकाए यूं पूंछ हिलाते नहीं देख सकते हम तुम्हें। किसी एक को मानना होगा तुम्हें। हम या जहांगीर। बादल क्या, बादल की जात भी नहीं है। बारिश होगी जून में, बारिश होगी शादी में। शादी क्यों, प्रॉब्लम है? लड़की मंगली है, बहुत लाशों पे से विदा होकर जाएगी। तू क्या फरमा रही थी आप? अरे मकबूल का घर है मियाँ, माँ के पेट की तरह महफूज। या दूध दूध पी जाके 25 साल से मेरे साथ है, आज मैं जिंदा हूँ तो इसी की बदौलत। आई डोंट बिलीव दैट। ए उस्मान इधर, पनीर उतार। शर्माने का नहीं, उधर उधर। ए पलट पलट, ये देखो ये भाईगला में 6, सामने देख ये 4 कांदला में, और वो उधर वाले 3 कोल्हापुर में। एक भी गोली छू नहीं पाई हमें आज। कुछ भी कर सकता है हमारे लिए, कुछ भी। कुछ भी बोतल उठा उस्मान, उस्मान बोतल उठा, उस्मान।
कैसी अजीब रात है ससुर, ये बारिश, ये मौसम, 70 साल में पहली बार। क्या अल्लाह क्या मर्जी है तुम्हारी? तय किया तुमने? शक्ति का संतुलन बहुत जरूरी है संसार। आग के लिए पानी का डर बने रहना चाहिए। रेडी रेडी गो। चलो रेस कर रहे आगे। पेचा लड़ा पेचा ये कटरी पत्ता। रमजू अहमद, अहमद, ये खून साफ क्यों नहीं किया अभी तक? साफ तो है बाबा। ठीक है जाओ। Thank you.
काका वापस जा। सुनात सुनात तेरे से बोला वापस जा, वापस जा साले। भाइयों के बीच में कोई आएगा नहीं, काका। ओए काके, क्या मिलेगा तुझे अबू की जगह लेकर साले? वही तो मैं भी जानना चाहता हूँ काका, क्या मिला मुझे? 25 साल कुत्ते की तरह साली वफादारी की, गोली खाई गले काटे, ये दिन देखने के लिए। तू भी ये सोचता है कि अब्बा जी को पता नहीं सोच अब बोल बताया क्या? बोल बताया। देख इधर देख काके, इधर देख। या तो गोली मार या गले आके मिल। बहुत हो गया रोना धोना, सामान बांधो, जाने की तैयारी करो। गुड्डू आ रहा है कल न्यास पे। श्री भवदाज्ञा श्रीमद नारायण प्रीत्यर्थम विजय वीर्य आयुर आरोग्य इष्ट काम्यार्थ सिद्ध्यर्थम। ये क्या है? सोचो, शक्ति पावर। और ये क्या है? भिखारी का कटोरा। अन्ना टाइम साथ मिलकर रहने का। 40 दिन हो गए, अब तक नहीं पता चला कौन था भाई। कमरे में 3 लोग थे, अब्बाजी, उस्मान और खैर कल नियाज है, जो मकबूल को कबूल नहीं करेगा वो कातिल। सुना है निम्मी और मियां साथ सोते हैं। भाऊ साथ सोते हैं या साथ जागते हैं, इसका धंधे से क्या संबंध? धंधे के हसूल से तो अब्बा जी की हर चीज अब मियां की है। मियां सपोले को दूध मत पिला मियाँ, दांत निकलते ही तुझे डसेगा सबसे पहले। न्यास की तैयारी हुई? गुड्डू इस घर में हमारी लाश पे से चल के आएगा शाम को। शाम होने तो दे निम्मा। ते याद है तुम्हें? क्यों? पहले कभी देखा नहीं नमाज में, बहुत मासूम लगते हो।
मैं कोई जोर जबरदस्ती सी जगह नहीं ले रहा हूं। किसी को कुछ बोलना है तो बोले, अभी बोले। काका और गुड्डू नहीं आए हैं अभी। तू अपनी बोल। देख मियां, तुझ में हम सबको विश्वास है, हम सबको। इसी दिन की ताक में बैठा है पालेकर। एक फूट पड़ी नहीं कि सरकार गिर जाएगी, और मिलके रहे तो जय महाराष्ट्र। ध्यान रख बाबा, तेरी वजह से चल रहा हूं, समझा? जा मत्था टेका मंदिर में। और सुन, कुछ बुद्धि भी मांग लिया अपने लिए? काका कुछ ज्यादा ही मांग रहे हैं भगवान से। الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دعا کیجئے. يا الله پاک جو قرآن شریف پڑھا گیا اس کا ثواب جہانگیر خان صاحب کی روح کو پہنچے. اللہ تعالی ابا جی کی روح کو سکون پہنچائے اور انہیں جنت نصیب کرے. آمین. رحمت اللہ یا آمین. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاه ان اللہ مع الصابرین. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاه ان اللہ مع الصابرین. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاه ان اللہ مع الصابرین. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاه ان اللہ مع الصابرین. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاه ان اللہ مع الصابرین. काली के मंदिर पे माता के सामने जिंदा था, लेकिन अस्पताल पहुंचते पहुंचते रास्ते भर बुदबुदाता रहा, हवेली पे चल, हवेली पे चल. कौन था कौन होगा? अरे काकी, गुड्डू, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी कुतरा को. साला, अपने बाप को उड़ाएगा कोई? हाँ,
अरे काय को अपना खून मत फूंक बोटी, अंदर अंदर सबको मालूम है। लेकिन जब तक भोसले उसके साथ है कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं हिजड़ा बनके उसके दरबार में नहीं नाचूंगा, समझा? मेरे बाप को मारा है उसने। इतना ज्यादा याद मत किया कर बाप को, वरना वक्त से पहले पहुंच जाएगा उसके पास। गुड्डू कहाँ है? बोल, बता दे कहाँ है गुड्डू? नहीं पता है? मुझे नहीं पता। सच? सच, मुझे नहीं पता। अब्दुल चाचा के यहाँ मेमण मोहल्ला में। ए गाड़ी रोको, चलो तेरे चल आजा। उतर उतर चल चल भाग भाग चल भाग 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 अरे भाग भाग भगवाना भाग भगवाना गोली चला 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 ये छोड़ क्यों दिया? शक्ति का संतुलन बहुत जरूरी है संसार में। आग के लिए पानी का डर बने रहना चाहिए। इस बार महीना होगा तुम्हारा। मियां, आपका गुरु कर्क राशि में आ गया। अब आपका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। गुड्डू, उसको ढूंढ के निकालो जल्दी। मियां, मुबारक हो, बाप बनने आ रहा तुम। मुबारक हो मियां। तीन महीने का है। तुम आखिरी बार जहांगीर के साथ कब सोई थी? तुम्हारा है मियां, जाने मियां, तुम कहो तो गिरा देते हैं इसे। तो याद आ रही गुड्डू की, अब्बा जी को मारा है उसने, हमारे अब्बा को। मैं जबान देता हूं छोड़ूंगा नहीं उसको। मैं तेरे लिए उससे अच्छा लड़का ढूंढूंगा। Thank you.
शुक्र मत खा, मंगल है। अभी क्या कर रहे है? ये शनि है। अरे तो फिर कौन सा? ये मंगल। अगर ये शनि मैं खा लेता क्या हो जाता? आदमी शनि को नहीं, शनि आदमी को खाता है। और इन दिनों बहुत भूखा है। किसे खाएगा? किसे खिलाना है? सब ये नासिर का ढाबा कहाँ है? मियाँ कबाब खाने आए हो तो अब्दुल के ढाबे पे खाओ, दुआएं दोगे हम। चलो। संतुलन बन रहा है। सीखना हो तो कबाब कैसे बनोगे? हाँ, और तुम तो ये भी जानते हो उस घर में गोश्त कहाँ से आता है, बकरे कहाँ कटते हैं। चाचा बहुत बढ़िया, और एक प्लेट और चटनी ज़्यादा, कांदा कम। बस एक मकबूल है जो गेम पलटा सकता है। सिर्फ छः दिन में सरकार गिर जाएगी। हमें क्या मिलेगा? मांगने तो मैं आया हूँ तुम्हारे पास। तुम मकबूल की तंगड़ी काटो, मैं मुंडी पे लगता हूँ। टारगेट हुआ वो अपना तावड़े भी ऑफ हो गए। कौन था? पता नहीं, भोसले की मम्मी। क्या मियां भोसले की भी चिरी हुई है? 15 या मेले गायब है उसके। बुलाया है आपको अभी। सुन, आज तो सवाल मैं नहीं आ सकता। मियां मिया, मिया, उसके चक्कर में सबको मरवाएगा साला। क्या हुआ? नहीं सोने देता हमें। कौन ये? खबरदार, हैरान करता है तू हमारी जान को। चलो सो जाओ अच्छी बच्ची की तरह एकदम। नहीं 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 सोएगा ये, हमेशा रोता रहता है रोता रहता है। तुझे सुनाई देता है पगली? हाँ, दिन रात हमें इसका रोना सुनाई देता है। इसके बाप को मारा है ना हमने। इसका बाप जिंदा है अभी। जा मेरा है, समझे? महाराष्ट्र सरकार फिर खतरे में। विपक्षी नेता गणेश पालेकर पर 15 विधायकों को अगवा करने का आरोप। गृह मंत्री ने जारी किए सीबीआई जांच के आदेश। अरे नहीं भाई नहीं, देखिए देश की सेवा करते करते थक जाते हैं, ये भी तो इंसान ही है ना। कोई जोर जबरदस्ती से नहीं लाया गया है, आराम करने आए हैं। हॉलीडे? वो देखिए,
वो देखिए कितने उल्लासित हैं। तीस करोड़? हाँ, 30 खोखा। अगर सरकार बचानी है तो पालेकर का डबल देना पड़ेगा। चिन्ना तावड़े ऑफ हो गए, अभी फैमिली को दोबारा बनाने में थोड़ा वक्त लगेगा ना बाबू। और अगर पालेकर पावर में आया ना तो सबसे पहले तू अंदर जाएगा, तू समझा? अभी 3 दिन में कहां से आएगा 30 करोड़? अपनी निम्मा से जाके पूछ। आओ। ये तेवर वहां देखा जहां जरूरत है, समझा? मकबूल की बाम्बी में किसने हाथ डाला है? अरे मैं वही पूछ रहा था इससे, ये कुछ उगलता ही नहीं है। कौन था? मियां देखो मुझे नहीं मालूम, माँ की सौगंध खा के कहता हूँ, मैं कितनी देर से पूछ रहा हूँ उससे, साला कुछ उगलता ही नहीं है। अब बोल बे, अरे बोल ना साले, तुझसे कहा था ना मैंने मियां मेरी जान ले। मैं कितनी देर से पूछ रहा हूँ उससे, साला कुछ बोलता ही नहीं है। पूछना तो तुम्हारे सामने पूछता हूँ, मैं तुम्हारे सामने पूछता हूँ। कौन था? मिया, जल्दी पता चल जाएगा, मिया जल्दी पता चल जाएगा। गुड्डू और बोटी अब बच्चे नहीं रहे मिया, सारा दोष राहु और चंद्रमा का है। नहीं, अप्पा जी का है, खुद तो चले गए और बोटी को छोड़ गए हमारे मियां की कब्र खोदने के लिए। पिछले 2 महीने में साले चंदा मामा ने स्थिति बदल ली है, 3 दिन बाद ग्रहण है, बस ये ठल जाए। 30 खोखा चाहिए मुझे तेरे इस ग्रहण से पहले। कितना? अस्सी साल पहले पड़ा था ऐसा ग्रहण, बड़े बड़े डूब गए। मैं डूबूंगा के बचूंगा? बचोगे मियां, बचोगे? डूब कैसे सकते हो? पुलिस तुम्हारे साथ है, भोसले तुम्हारे पीछे, रे गुड्डू और बोटी सुबह तक दोनों की लाश तुम्हारे कदमों में पड़ी होगी, नहीं तो बोध ही कटवा दूंगा साली। ओए, मैं डूबूंगा के बचूंगा? अब दरिया खुद चल के तेरे घर आएगा मियां, तो तू डूबेगा, 100% डूबेगा। दरिया चल के आएगा, पैदल आएगा कि गाड़ी में? क्यों, अब वो हवाई जहाज से भी आ सकता है। दरिया घर पे आएगा, दरवाजे पे घंटी बजाएगा, डिंग डोंग डिंग डोंग, हेलो मियाँ जी घर पे हैं? कौन? मैं हूँ जी दरिया, डुबोने आया हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ। दरिया आएगा, डुबोने आएगा, इससे पहले कि दरिया तेरे घर में घुस जाए, तू दरिया के घर में घुस जा। चल बेटा, अंदर चल।
रोटी ले। आ गया तेरा रंजना। कितना रोटी थी पक्की। छू मत मुझे डायन। तुम बात कर रही हो मुझसे? मेरे अब्बू का खून किया है। चुड़ैले तू, चुड़ैले तू, चुड़ैले। समीर, बच्चा भी मत मर जाएगा पेट में। वो इसे मां खिलाने के लायक है नहीं तू। पांड अगले एक हफ्ते तक यहाँ का पेट्रोल मेरे कमांड में है। कांडला से 30 नॉटिकल माइल नॉर्थ की तरफ। पैसा? डिलीवरी। अब जरूरत आपकी है। दरिया में कारोबार करने आए हैं, पहले तैर के दिखाइए। घंटे तक खतरा है। इट्स अ मिरेकल सर, वरना जिस हालत में इन्हें यहां लाया गया था। इस टाइम अलाउ नहीं है। मिया, मोटी को जिंदा रखना, वापस लेने आऊंगा इसे। लेकिन ये मर जाएंगी, ऐसा क्या हो गया है? दरिया घुसा है मेरे घर में। वन टू थ्री। हाँ बोल मिया। नाव डूब गई बाप। सरकार भी ए ए चीटिंग नहीं। कस्टम मेरे पीछे है भाव। तो भाग। तो दोस्त है भाव। दोस्त है यार। हाँ, अब्बा जी का।
हम अब भी तेरे साथ हैं मियां, आज रात का ये ग्रहण टल जाए बस। अबे काहे छोड़ दिया उसे? शक्ति का संतुलन, आग के लिए पानी का डर बना रहना चाहिए। कब से साफ नहीं किया ये? सब खून जम गया है दीवारों पे मियां, कैसे छूटेगा अब? कहाँ? वहां दिखता नहीं तुम्हें? सब गुना था मियां, सब कुछ मियां।
गणेश तो भागता ना भैया, भागता ना गणेश तो भागता ना भैया, बोलो ना बोलो ना इस भागता ना मेरा भैया, बोलो ना भैया, बोलो ना बोलो भैया, गुड मॉर्निंग सर। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? Get out from here। ये हमारा एरिया है सर। I said shut up and get lost from here। I said move। Come on quick, fast। मियाँ जरा जल्दी आना, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। संभल के मियाँ।
जी नहीं।